नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ ललित। जनपद हापुड़ में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा लागत के निर्माणाधीन परियोजनाओं की बैठक ली गई। जी हाँ, 7 अप्रैल को जनपद हापुड़ में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी अनुज सिंह और मुख्य विकास अधिकारी प्रेरणा सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा संचालित अपने अपने विभाग की योजनाओं या निर्माण कार्यों को लक्ष्यों के मानक के अनुरूप समय से पूरा कराया जाए और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाने में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने अपने विभाग की योजनाओं और कामों को जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को पात्र व्यक्तियों तक प्रत्येक दशा में पहुंचाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, नई सड़कों का निर्माण, सड़कों की गड्ढा मुक्ति की स्थिति आदि बहुत सारी योजनाओं की गहन समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। आपको बता दें कि इस बैठक में अधीक्षण अभियंता हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत 232 भवनों को पात्र आवंटियों को बैनामा करा दिया गया है और बाकी के 217 लाभार्थियों को भी इस योजना से लाभान्वित कर दिया जाएगा। वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आधार सीडिंग का काम किया जा चुका है, प्रोक्सी से खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है और जनपद में कोई भी दुकान आवंटन के लिए खाली नहीं है। वहीं आपको बता दें कि जनपद हापुड़ को माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जनपद को 4,590 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिनमें 689 ग्रुप को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और आगामी 21 अप्रैल 2022 को विकासखंड धोलाना में ITI के अंतर्गत अप्रेंटिस मेला लगाया जाएगा। तो जनपद हापुड़ के विकास भवन में 50 लाख से अधिक की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने परियोजनाओं के अधिशासी अभियंता व कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य गुणवत्ता और समय रहते पूरा करा लिया जाए। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी संजय कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रेखा शर्मा, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी विनायक शर्मा, उपनिदेशक कृषि, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार।